बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम एन जाज मार, एडवोकेट लॉ एंड जस्टिस चैनल से। आज अर्श फोर्टीथ को ज़ेर बहस लाएंगे, सेक्शन 337 UPPC। अर्श फोर्टीथ, दांतों का अर्श, क्लास वन। द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ ए टीथ अदर देन ए मिल्क, इतलाफ ऑफ ए टूथ अदर देन ए मिल्क टूथ शल बी 1/20 ऑफ द दियत। एक दांत के इतलाफ पहुँचाने का अर्श सिवाय दूध के दांत 1/20 हिस्सा दियत होगा। एक्सप्लेनेशन, द इम्पेयरमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ ए टूथ आउटसाइड द गम अमाउंट्स टू कॉजिंग इतलाफ ऑफ ए टूथ। मसूड़े की बैर की तरफ दांत के हिस्से की खराबी दांत के इतलाफ के मुतरादिफ है। क्लास टू, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर टीथ शैल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत। क्लास टू के मुताबिक 20 जैसे ज़ायद दांतों के इतलाफ का अर्श दियत की रकम के बराबर होगा। वेयर क्लास थ्री, वेयर द इतलाफ इज़ ऑफ ए मिल्क टूथ द क्यूज शैल बी लाइबल टू दामान एंड मे आल्सो बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। जहाँ पर इतलाफ दूध के दांत का है तो मुलजिम पर दमान लागू होगी और तज़ीर के तौर पर 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर इतलाफ ऑफ ए मिल्क टूथ इम्पेयर्स द ग्रोथ ऑफ ए न्यू टूथ द क्यू शैल बी लाइबल टू अर्श स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। बशर्ते कि जहाँ दूध के दांत का इतलाफ नए दांत की नशोनुमा में रुकावट है तो मुलजिम पर अर्श लागू होगी जिसकी तफसील सबसेक्शन 1 में दी गई है, यानी मुलज़िम पर अर्श लागू होगी जिसकी मकदार 1/20 हिस्सा दियत होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फी माना।